हेलो एवरीवन, माय नेम इज गगनप्रीत कौर। आज हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। नाउन में हमारे 6 काइंड्स हैं, उनमें से हमने आज एक काइंड लिया है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। यू आर वॉचिंग वेलकिन चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स और प्लेस टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, जहां पे पूरे ग्रुप की बात हो रही होती है। कलेक्टिव नाउन में पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं होती। इट्स ऑलवेज काउंटेड मोर देन वन। एग्जाम्पल में बात करते हैं, अ क्राउड। क्राउड कब कहा जाता है? जब एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ बुक आई रिटन द मीनिंग एज वेल। एग्जाम्पल, द क्राउड वॉज वेरी बिग। अब यहां मेरा क्राउड जो है वो कलेक्टिव नाउन है। क्राउड जो है पीपल को कह रहे हैं कि एक से ज्यादा व्यक्ति जब होते हैं, बहुत सारे, उसमें हम क्राउड वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ फ्लीट। अ फ्लीट किसे कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। वेसल्स होती है जो हमारी बोट्स होती हैं, बड़ी बोट्स, उसको कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। अब इसमें मेरा कलेक्टिव नाउन कौन सा है? हर्ड। जो कैटल का ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसको हम कहते हैं हर्ड। सिंगल कैटल को कभी नहीं कहेंगे। व्हेन दे आर मोर देन वन तब हम लगाएंगे हर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई गिव यू प्लेन, देयर आर प्लेंटी ऑफ वर्ड्स इन इट, जैसे कि लिखे हुए मैंने मॉब, टीम, फ्लॉक, आर्मी, ज्यूरी, फैमिली, मेनी मोर आर देयर। एक और एग्जाम्पल है अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब जो मेरा यूनियन है, यूनियन कभी भी एक से नहीं बनती, इट्स ऑलवेज मोर देन वन। दैट्स द रीजन यूनियन इज योर कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। अब कभी भी हम रेंज ऑफ माउंटेन नहीं बोलते, बिकॉज हमारे बहुत सारे, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ माउंटेन्स, वी डोंट हैव वन माउंटेन। कभी एक पहाड़ नहीं खड़ा होता, उसके साथ और भी जुड़े होते हैं, सो वी ऑलवेज से माउंटेन्स। सो माउंटेन हेयर इज अ कलेक्टिव नाउन। देयर आर मोर वर्ड्स आई विल बी डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, आपके लिए इजी होगा उसको समझना कि और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कलेक्टिव नाउन में आते हैं। जहां वो वर्ड ग्रुप वर्ड्स आ जाए तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? कलेक्टिव नाउन। I hope all the concepts related to collective noun is clear to you. उसकी definition, उनके rules and उनके words क्या होते हैं। Collective noun के ये words होते हैं, जहां ये word आ जाए make a circle या underline जो आप comfortable हो and उसी time लिख दो ये collective noun है। ज्यादा sentence पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Thank you for watching my channel. Thumbs up if you like my video and please do comment below if you have any doubt or any query.